आतंकवाद पीड़ित परिवार सहायता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बलदेव चावला की अगुवाई में आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मिले विजय सांपला। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर सियासी फ्रंट ज्वाइन करने वाले हरदीप किंगरा ऑडियो स्टिंग रिलीज कर आप नेताओं पर लगाए पैसे लेने के आरोप। विधानसभा हल्का बस्सी पठाना में छोटेपुर समर्थकों ने भगवान मान को घेरा, 100 वॉलंटियरों ने पार्टी छोड़ी। बैंक अधिकारियों को जालंधर पुलिस कमिश्नर ने दी हिदायत, अधिकारी रूटीन में चेक करें सीसीटीवी व हूटर। जाकिर नाइक के एनजीओ का लाइसेंस रिन्यू कराने में मदद करने वाले गृह मंत्रालय के 5 अफसर सस्पेंड। वायुसेना प्रमुख अरूप राह का बयान, अगर युद्ध के दौरान वायुसेना का सही इस्तेमाल होता तो पीओके भारत का होता। राहुल गांधी ने फिर साधा संघ पर निशाना, कहा आरएसएस के लोगों ने नहीं लिया आजादी की लड़ाई में हिस्सा। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, आज बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर होगा असर। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके, 7.1 रिएक्टर मापी गई तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी। अमेरिका में लॉन्चिंग के दौरान फटा नासा का रॉकेट, धमाकों से मीलों तक हिली इमारतें। सर्वे में खुलासा, अधिकांश ब्रिटिश नागरिक चाहते हैं बुरके पर लगना चाहिए बैन। पाकिस्तान ने भारतीय चैनलों के लिए प्रसारण पर लगाई रोक। सानिया बोपन्ना और पेस ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह। डोप टेस्ट में फेल रहने के कारण बीजिंग ओलंपिक के 4 पदक विजेताओं के मेडल छीने गए। विश्व कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेजबान देश रूस का दौरा करेगा फीफा। अब तक के सबसे बड़े भारतीय और पैरालंपिक दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। अनिल कपूर के बेटे की फिल्म मिर्जा का पहला गाना रिलीज। अजय देवगन ने लगाया कमाल आर खान और करण जौहर पर, उनकी फिल्म शिवाय को नुकसान पहुंचाने का आरोप, जारी किया टेप। फिल्मकार नीरज पांडे ने कहा फिल्म रुस्तम का निर्माण जोखिम भरा था। अभिनेता अभय देओल ने कहा अपने दायरे से बाहर निकलकर एक्शन फिल्में करना चाहता हूं।